एनटीपीसी का चार्ट आज का बहुत बेहतरीन चार्ट है। इस चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे, और साथ में इसमें एंट्री के भी पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि किन लेवल्स पे हम लोग एनटीपीसी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी के आज चार्ट पे 5% से ज़्यादा की तेजी बनी है, तो हम लोग एनटीपीसी का आज का डेली चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे, और जूम करने के बाद एनटीपीसी का हम लोग यहाँ पे इंट्राडे चार्ट खोलेंगे ताकि आपको इंट्राडे में जो ये तेजी बनी है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाए। देखिए इंट्राडे में ये एक लेवल था जो कि था 169 के आसपास का, और इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है और एनटीपीसी आज क्लोज हुआ है 173 के आसपास। तो इंट्राडे की जो ये तेजी है वो लगभग 5% 5.5% की तेजी है, और इस तेजी के पीछे क्या मायने निकल के आ रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म चार्ट हम लोग देखें तो किस तरह की तेजी है, ये लॉन्ग टर्म में चार्ट किस तरह का दिख रहा है और क्या इन्वेस्टमेंट के मौके बन रहे हैं, हम सारी एनालिसिस करेंगे। आप बस इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे कि वीकली चार्ट के अंदर क्या चल रहा है। देखिए वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे एक क्लियर सा ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूसली चार्ट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर की तरफ ये चार्ट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जब भी इस स्टॉक में कोई गिरावट आएगी तो उसके लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इस स्टॉक के लिए जरूरी होगा, तो अगर हम लोग एंट्री बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो वीकली चार्ट पे अभी जो हाई बनाया था 177 के आसपास का था, और 173.15 ये अभी आज की डेट में क्लोजिंग प्राइस है इसकी। अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस 173.15 है और इसको अभी अपने हाई को ब्रेक करने के लिए लगभग यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे जो हाई है 177 का है तो लगभग 4 रुपए के आसपास इसको मूव देना है। 4 रुपए के आसपास अगर ये मूव देता है तो इसके अंदर वीकली चार्ट के अंदर भी एक आपको ब्रेकआउट नजर आ जाएगा। अगर हम लोग इसकी डेली चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, देखिए डेली चार्ट के अंदर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है अपने लेवल को। डेली चार्ट में 177 की क्लोजिंग प्राइस थी, इसमें जो ये रेड कैंडल बनी थी 177.96 मीन 172 के आसपास मान लेते हैं, तो अभी डेली चार्ट पे इसका जो टारगेट है 175 के आसपास है, और नेक्स्ट टारगेट जो होगा 181 के आसपास डेली चार्ट के अंदर इसमें बनेगा। तो ये देखिए डेली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें, यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर एक यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है डेली चार्ट के अंदर। तो ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग डेली चार्ट पे यहाँ पे ड्रॉ करें, और ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट के अंदर ये ब्रेकआउट है, और इस ट्रेंड लाइन को जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसको सपोर्ट लेते हुए स्टॉक कंटिन्यूअसली 4 कैंडल्स डेली चार्ट पे इसने ग्रीन 4 कैंडल बनाई हो, एक बड़ी कैंडल बनाई है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स जो है हावी हैं इस स्टॉक के अंदर। बायर्स इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और ये एक्यूमुलेशन कहाँ तक जाएगा, देखिए जो एनटीपीसी है अभी तक इसका अगर हम लोग मंथली चार्ट देखें जो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट है, मंथली चार्ट के अंदर देखिए एक ब्रेकआउट आया था जो कि 152 के आसपास था। मंथली चार्ट पे जब भी ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक को ऐसा माना जाता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है। 152 के आसपास का ये ब्रेकआउट था, 152 रुपीज़ के आसपास का, और 152 रुपीज़ के आसपास था। अभी इस स्टॉक में नई जो अपॉर्चुनिटी है, नई संभावना है, ये पैदा हो गई, क्योंकि अभी देखिए स्पर्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉक अब ट्रेंडिंग स्टॉक हो गया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन हो रहा था मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे ये 152 के आसपास ये डब्ल्यू पैटर्न आप इसको बोल सकते हैं इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मंथली चार्ट में कोई ब्रेकआउट होगा तो निश्चित तौर पर वो वीकली चार्ट के अंदर और डेली चार्ट के अंदर उस स्टॉक में एक तेजी बनेगी, और उस तेजी को हमें पकड़ना है तो हमें कहीं ना कहीं इस स्टॉक में पोजीशन बनानी पड़ेगी। अगर हम लोगों को पोजीशन बनानी है तो पोजीशन हम लोग बना सकते हैं डेली चार्ट के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग डेली चार्ट ओपन करके देखते हैं तो डेली चार्ट के अंदर ये परफेक्ट समय है पोजीशन बनाने का। अभी अगर कोई यहाँ पे रेड कैंडल एक बन जाती है, अगर रेड कैंडल बन जाती है तो डेली चार्ट पे 164 रुपीस का सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 164 रुपीस के आसपास ये स्टॉप लॉस का लेवल है, 173 और 174 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर ये कोई एक रेड कैंडल बना देता है यहाँ पे, देखिए अगर रेड कैंडल इनके ऊपर के स्तरों पे बनती है, मीन 173 के ऊपर कहीं पे बनती है, तो वहाँ का हम लोग एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन अभी 10 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों का जो पहला टारगेट यहाँ पे मिल रहा है 181 मीन लगभग 9-10 रुपए 1:1 का, तो आपको यहाँ पे
जो आपका रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 का, तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा इस स्टॉक के अंदर, अगर हम 64 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, 63.4 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ अभी इस स्टॉक को खरीदते हैं, तो 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड इस स्टॉक में बन जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो मंथली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो इस स्टॉक ये अभी रुकने वाला नहीं है, इस स्टॉक नया हाई बनाएगा, तो नया हाई बनाएगा, तो इस स्टॉक में हम लोग बने रहेंगे एक ट्रेंड लाइन के साथ, इस स्टॉक में बने रहेंगे। मंथली चार्ट की हम लोग या वीकली चार्ट की एक ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो करेंगे और इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहेंगे, और इस स्टॉक को राइड करने का समय आ चुका है कि इस स्टॉक को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको हम लोग राइड करें। दोस्तों ये जो वीकली चार्ट है, यहाँ पे वीकली चार्ट है, हम लोग एक बार फिर से खोल लेते हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की थी, कॉन्टिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक फॉलो कर रहा है, तो आप किसी भी लेवल पे एंट्री लेके वीकली चार्ट पे आप लोग राइड कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट पे अगर ब्रेक करता है, तो हम इस स्टॉक से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक में हम लोग बने रहेंगे। जो कि ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे है, तो चार्ट जाहिर सी बात है बहुत अच्छा चार्ट है, और ये स्टॉक हमें अच्छे प्रॉफिट देके जा सकता है। दोस्तों अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।